सब्जियों के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में रसोई में काम करने वाली महिलाओं के लिए अपना बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। अगस्त के आखिरी सप्ताह से सब्जियों के दाम में काफी उछाल आया है। कोरोना ने सब्जियों के उत्पादन में भी असर दिखाया। जहां पहले लोग झोला भर कर सब्जी खरीद लेते थे, वहीं अब सब्जियों के दामों ने लोगों के जेबों पर सीधा असर डाला है। आलू, टमाटर, हरा धनिया, शिमला मिर्च के दाम सुनकर सभी के होश उड़ रहे हैं। अंबाला की सब्जी मंडी में 5 से 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू 35 से 40, शिमला मिर्च 50, फ्रेंच बीन 50 और भिंडी 40, घिया 40, टमाटर 50, प्याज 50, गोभी 70 और हरी मिर्च 30 से 40 रुपए मिल रही है। यहां तक कि सब्जियों के साथ मिलने वाला हरा धनिया भी 200 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी से बाहर बिकने वाली सब्जियों के दाम पिछले दो सप्ताह में 2 गुना तक बढ़ गए। मंडी में सब्जी लेने आए लोगों ने कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही अन्य सामान के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से सब्जियों के महंगे होने से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने बताया कि 10 दिन पहले तक सब्जी के दाम ठीक थे, मगर आज तो हर सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार को इस तरफ जल्द ही ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।